गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार माँ बेटी को गोली मारी। माँ की हुई मौत। गंभीर रूप से घायल बेटी का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। तफ्तीश में जुटी पुलिस। डीआईजी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा। शाहपुर थाना क्षेत्र के बशारतपुर में हुई दिन दहाड़े महिला की हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसएसपी जोगेंद्र कुमार। घटनास्थल का किया निरीक्षण। कहा तीन टीमें गठित कर की जा रही हत्यारोपियों की तलाश। जल्द होगी गिरफ्तारी। गैंगस्टर एक्ट में वांछित तीन अवैध शराब कारोबारियों को तिवारीपुर थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। भेजा जेल। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने दी जानकारी। कहा अवैध शराब कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति को तीन दिनों के अंदर किया जाएगा जब्त। एक शातिर चोर को खोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और चोरी की एक बाइक की बरामद। भेजा जेल। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। महानगर में 49 केंद्रों पर साकुशल संपन्न हुई समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। 12,005 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एडीएम सिटी ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नकल विहीन संपन्न हुई परीक्षा। परीक्षार्थियों ने बेहतर परिणाम आने की जताई उम्मीद। दो अवैध कच्ची शराब कारोबारियों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने इनके कब्जे से 200 लीटर अवैध कच्ची शराब और 1 किलो यूरिया किया बरामद। भेजा जेल। गोरखपुर में रविवार को कोरोना के मिले 149 नए संक्रमित मरीज। एक कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,061। एक्टिव मरीज हुए 1591। सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की पुष्टि। दो शातिर चोरों को तिवारीपुर थाने की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी की गई डीजे की मशीन भी की बरामद। भेजा जेल। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने दी जानकारी। और खोराबार थाने की पुलिस टीम ने दो बकरी चोरों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से चोरी की गई दो बकरी भी की बरामद। भेजा जेल। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी।